बात सुनो परवीन, ये तसला यहाँ क्यों पड़ा है? कितनी बार कहा है तुम्हें कि बीच में चीजें मत छोड़ा करो, चलो इसे एक तरफ को करो। और हाँ, हसन का बिस्तर लगा दिया, साफ चादर है ना, चलो इसे तो उठाओ यहाँ से। क्या हुआ, सब ठीक तो है? मैं आपके दूल्हा से नाराज हूं। क्या कसूर कर दिया उन्होंने मुझे बता, मैं उनको सजा दूंगी। कोई सजा नहीं देंगे, मैं जानती हूँ आप भी मुखालिफ कैंप के हैं। और कौन कौन है मुखालिफ कैंप में? सब, यहाँ तक कि बीबी भी। आप जानती कि भैया मुझे नेक में क्या दे रहे हैं? क्या? आना दो आना। और जब मैंने इसरार किया तो एहसान करके कहने लगे कि ठीक है एक रुपया ले लेना, लेकिन मैंने भी कह दिया कि मैं कोई नायन नहीं हूं कि आपसे एक रुपया लूंगी। तो तुमने उन्हें बताया नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए? हद से थोड़ी, पिछले साल जब सावित्री की भाई की शादी थी उसी वक्त मैंने बीबी को दिखाया था कि मुझे भी ऐसी अंगूठी चाहिए जैसी सावित्री की भाई ने उसको दी, और अब वो कहती है कि उनके लाड़ने के पास पैसे नहीं है। ये तो बुरी बात है, तुम बहन हो, तुम्हारा हक पहले बनता है। वही तो, लेकिन उन्हें कौन समझा? क्या आप समझा सकती? मैं क्या करूं? सच पूछो तो मैं ये सोच रही हूँ, अगर तुम्हें किसी ने यहाँ देख लिया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि मैं आपकी नंद हूँ, लेकिन मैंने भी सोच लिया, मैं शादी में आपकी तरफ से जाऊंगी, भैया की तरफ से नहीं। इतना गुस्सा? चलो अच्छा है, इसी बहाने तुम मेरे घर वालों के साथ मिलके बारात का इस्तकबाल करना। कितने अरमान थे कि भैया की घोड़ी के साथ आपके घर आऊंगी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। ये सब तो ठीक है, मगर अब मैं ये सोच रही हूं उन कंगन की जोड़ी का क्या बनेगा जो बीबी ने तुम्हारे नेक के लिए बनवाए। कंगन? आपको किसने बताया? मेरे जैसे तो बनवाए हैं। लैला सुनाना उसे। सच्ची? बड़े दिन बाद आए। बस देख ले चाचा, पढ़ाई में मसरूफ था। आप सुनाएं कैसी चल रही है? कुछ बात चल रही है। अच्छा, चले चले। चल बड़े बच्चे। और चाचा, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? पूरे लुधियाने में धूम है। अपने मराजुद्दीन साहब की बेटी और नसीर साहब के बेटे की शादी जो हो रही है जी। अच्छा अच्छा, वैसे गर्मी तो है लेकिन लुधियाने का मौसम फिर भी बहुत बेहतर है। हा? आपके आने से मौसम और अच्छा हो गया आसन बाबू। कैसी बातें कह रहे हैं। वैसे चाचा, आपने खामा खामे तकलीफ की, पैदल का रास्ता है, मैं पैदल चला जाता, घर भी करीब है। हसन बाबू, आपके घर वालों को पता चल गया कि मैंने आपको ऐसे जाने दिया है तो कितना दुख होगा उनको। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है वापस आके।